देवतुले आयो माँ शक्ति आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 448 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब हैं जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव भाग 15। इससे पूर्व 14 भाग ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्घोष। तो आदरणीय कालरा साहब, नेट साहब, शर्मा जी, वाजी शर्मा जी, देव ऋषि साहब, सबको प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की वार्ता का आरंभ किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः पिछली वार्ता में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय जो कि ध्यान योग के नाम से है उस पर विचार करते हुए 15वें श्लोक तक पहुंचे थे और उद्देश्य ये था कि ध्यान योग पर भगवान श्री कृष्ण ने जो भी अर्जुन को उपदेश किया है उस पर विचार विमर्श किया जाए। वस्तुतः अभी जो प्रश्न उठा कि योग करते समय शरीर की क्या अवस्था होनी चाहिए, चित्त की, मन की क्या अवस्था होनी चाहिए, आत्मा किस स्थिति में होनी चाहिए, इस पर बहुत बृहद विस्तार से योग सूत्र में पतंजलि महर्षि पतंजलि ने विचार किया है और भारतीय दर्शन में योग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गीता का हर एक अध्याय भी अपने आप में एक खास किस्म के योग पर प्रकाश डालता है। तो योग आरंभ करने के पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है वो एक ऐसी मशीन की तरह से है जो सेल्फ कॉन्शियस है। जो नर्वस सिस्टम है वो मस्तिष्क से, ब्रेन से आरंभ कर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक बहुत ही महीन तंतुओं के माध्यम से बिखरा हुआ। हमारे शरीर का एक एक कण जागृत जागृत इन द सेंस कि जब तक बॉडी अपनी ऑर्गेनिक स्टेट में है उसमें किसी भी पार्ट पे कहीं भी अगर कोई चीज घटित होती है तो एक ऐसा एकनिष्ठ तंत्र है कि उसकी सूचना हमको मिल जाती है। तो ये बॉडी का जो विकास हुआ, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो ये है कि जिस अंग का, जिस चीज का जितना विकास किया और जो वनस्पतियां आई और उनके उपरांत जो जंतु आए, तरह तरह की जो स्पीसीज आए, उनका जो इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन बीइंग तक जो कि मोस्ट कॉन्शियस स्पीसीज है इस प्लेनेट की, उस तक आते आते हमने जिन ऑर्गन्स का जितना ज्यादा और जिस तरह से उपयोग किया वो उतना ही इवॉल्व होता चला गया। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमारी बॉडी और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी प्रोडक्टिव स्टेट, मैक्सिमम प्रोडक्टिव स्टेट अटेन हो और बनी रहे, उसके लिए हर एक बॉडी पार्ट का प्रॉपर तरीके से यूज हो। और अगर हमारी कार्यशैली देखे, पहले क्या था, जब मनुष्य का जो निर्माण हुआ होगा वो चलता रहा होगा व्यक्ति भोजन की तलाश में, अपने आप के बचाने के लिए, और इस तरह से इस प्लेनेट में जो कंपटीशन रहा अन्य स्पीसीज के साथ में, तो इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो है वो ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बनता गया। तो हमारा शरीर जो बना है, जिस तरह से इवॉल्व होके आया है विभिन्न जंतुओं से होता हुआ, वो चलने के लिए है, चलता ही रहा। इसीलिए जो है शास्त्रों में कहा गया चर एव एति चर एव एति, चलते रहिए चलते रहिए। बड़ा इसका जो है एक भाववाचक अर्थ भी है, इससे ध्वनि भी निकलती है कि हमें इवॉल्व होते रहना, मानसिक रूप से भी हमें जो है चलते रहना, रुक नहीं जाना, ठहर नहीं जाना। जैसे ठहरा हुआ पानी प्रदूषित हो जाता है, तो अगर आपके मन के अंदर एक विकास का भाव है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपको विकसित होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर एक खास किस्म की का एक प्रयास होता रहेगा और आपका जीवन बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। अगर आप कहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, किसी भी तरीके की विकास की भावना या आकांक्षा नहीं रह जाती या विकास की एक प्रक्रिया नहीं रह जाती, तो आप में जो ठहराव आ जाता है वो जीवन में कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व को प्रश्नांकित करने लगता है कि आपका अस्तित्व है ही। यद्यपि
जैसा कि हम लोगों ने पुनः पुनः विचार किया कि कोई आदमी बिल्कुल फूल प्रूफ ढंग से इस तरह से इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाता कि ये ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व क्यों है या सृष्टि का ही अस्तित्व क्यों है, क्योंकि अस्तित्व के बड़ा प्रश्नों पर आज भी दार्शनिक उलझे हुए हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि हमारा अस्तित्व है, तो इस अस्तित्व को संरक्षित रखना मतलब बचाए रखना और उसको अपनी पूर्ण उत्पादकता के साथ प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करना, ये एक अगर आप एक प्रमाइज मान लें कि हमारा अस्तित्व है, किसी ने इसको बना दिया, इस प्रकृति ने, इस क्रिएशन ने इसको क्रिएट कर दिया, तो इसको बनाए रखना और इसकी पूर्ण उत्पादकता तक, प्रसन्नता तक, उच्चतम अवस्था तक, उदात्त अवस्था तक पहुंचाना, यह हमारे जो कॉन्शस माइंड है हमारा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से ये हमारा एक मकसद हो सकता है। अगर आप इस सब से सहमत हैं तो आप अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को अलाइन करके और चलें, तो इसकी पूर्ण उसमें किसी तरह का द्वंद्व ना हो। जैसा बार बार देखा गया कि व्यक्ति का मन अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ता रहता है, जितने विचारशील, विचारवान, तार्किक व्यक्ति हैं उनमें तरह तरह की ऐसी द्वंद्वात्मक मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो एक तर्क उत्पन्न करती हैं, फिर उसको खंडन करती हैं, फिर आगे चल पड़ता है, फिर दूसरी दिशा में चल पड़ता है। आपके मानस जगत पे जिस किसी भाव का, जिस किसी ज्यादा प्रभाव होता है, उस पर ज्यादा प्रभावी होती है और आपके निष्कर्ष बदल जाते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई किसी चीज की, धन की आवश्यकता हो गई, तो आप तमाम ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने लगे, आपने धर्म की का प्रभाव बढ़ गया, तो फिर आप जो है न्याय संगत ज्यादा हो जाएंगे। धार्मिक स्थिति का विचार अगर आपके मन में आया तो आपके अंदर करुणा भाव जागृत हो गया, तो आपसे अपने आप दान निकलने लगेगा, एक तरीके से करुणा का प्रवाह होने लगेगा, सहयोग, प्रेम, एक दूसरे का परस्पर हाथ बटाना, शेयरिंग, कोएग्जिस्टेंस, ये सब फीलिंग आप में प्रधान हो जाएगी अगर आपके अंदर प्रेम और करुणा भाव भरा हुआ। तो कहने का मतलब ये कि जो मेंटल स्टेट होती है वो आपको बहुत हद तक प्रभावित करती है, लेकिन उस मेंटल स्टेट को इस तरह से समावस्था में लाया जाए कि जो तमाम जो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं वो अलाइन हो जाए, तो बॉडी के हर एक पार्ट को एटलीस्ट क्रियात्मक करना, उसको ट्रेन करना, उसको क्रियाशील रखना, ताकि उस पर एनर्जी बनी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अपने सेल्फ स्टेट में रहे, ये जो है बहुत आवश्यक। तो अपनी जो आपकी जीवन शैली है, मसलन आप आजकल जैसे लोग कुर्सी में ज्यादा बैठ रहे हैं, तो आपने पता चला आपने जो मिडिल पोर्शन है उसका ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एक खास किस्म का डिस्टॉर्शन बॉडी में क्रिएट हो गया, क्योंकि बॉडी बनी तो ठीक काफी चलते रहने के लिए और आप दिन भर बैठे रह गए, तो आपका निकलने लगेगा या वो सब इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी जिनका हाथ कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है डेली एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल आप बनाए, जिससे तो योग का मॉड्यूल या एक्सरसाइज का या कुछ भी करें, जिससे हर एक बॉडी पार्ट आपका एक्टिव है। अब रिलैक्स, जितना आपको एक्शन में आना है उतना ही अपने बॉडी को रिलैक्स भी करके रखना है, क्योंकि इसमें एक खास किस्म की समतुल्यता भी होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर जितना जिस पार्ट को आप यूज करते हैं उतना उसको रेस्ट भी देना है, अदरवाइज एक्सेसिव यूज करेंगे तो उसमें कोरोजन उत्पन्न होगा, उसमें डिप्रिसिएशन होगा, उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर तरह का संतुलन जो है वो बॉडी पार्ट को, एक्सेसिव एक्सपोजर जैसे आजकल लाइट का कंप्यूटर में बहुत हो रहा है, तो आंखें ज्यादा गड़बड़ हो रही है, लोग दिन भर बैठे ही रह जाते हैं, चलते ही नहीं, तो पैर खराब हो रहे हैं, हाथों का यूज नहीं होता, हाथ पतले निकल आते हैं, तो हर चीज में संतुलन, तो बॉडी की एक्टिविटी में एक खास किस्म का संतुलन स्थापित करना। तो आप देखेंगे हर एक प्रोसेस की एक एंटी प्रोसेस होती है। जब आप मान लीजिए नौकासन करते हैं तो फिर हलासन भी करते हैं, पीछे की तरफ बेंड हुए थे तो आगे की तरफ भी बेंड हुई है, ताकि दोनों अवस्थाओं में, इस साइड में और उस साइड में, दोनों एक्सट्रीम को अटेन करने के बाद उसमें एक संतुलनता आना है। दिन भर अगर आप बैठे रहते हैं, जैसे शर्मा जी ने प्रश्न किया, तो क्या सर को ऊपर उठा करके, और तो अगर आपका मुंह झुका रहता है और जो अलाइनमेंट है बॉडी का समावस्था से एक खास डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, तो कुछ समय के लिए उसकी एंटी पोस्चर
आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें संतुलता आ जाए। तो ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे के अंदर शरीर के हर एक अंग को उसकी स्टेट, एंटी स्टेट, बैलेंस्ड स्टेट में ले जाना है। जितना स्टैटिक स्टेट में रहना है उतना ही डायनेमिक स्टेट में रहना है। तो जितना आपको एक्टिव रहना है, किसी ऑर्गन को एक्टिव रखना है, उतना ही उसे रेस्ट भी देना है। तो समतुल्यता शरीर की जो है वो स्थापित करनी, वही समतुल्यता भोजन की, वही समतुल्यता विचारों की। विचार बहुत आते हैं, मन बहुत एक्टिव रहता है, मन पे किस किस का प्रभाव पड़ता रहता है, इंद्रियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, ईगो का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं जरूरत भी है, तो उन सबसे मन जो है आपका लगातार कुछ कुछ चीज अर्न करने में लगा रहेगा, क्योंकि जरूरतें हैं और वो संस्कार की तरह से बन गई है आपके ब्रेन में। तो वो जो संस्कार बन गए हैं, वो ऐसे संस्कार अगर बन गए हैं जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, उनको मिटाना, और ऐसे संस्कार जो कि आवश्यक हैं, जो कि नियम संगत हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं, जो कि साइंटिफिक हैं, वो बनाना, दोनों जरूरी है। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा अनावश्यक या ऐसा संस्कार बन गया है जो कि गलत है, जो कि आपके बॉडी को निगेटिव ढंग से प्रभावित कर रहा है, वो जब आप लगातार मनन करेंगे तो अपने आप को आप पहचानते जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान योग की आवश्यकता पड़ती है कि एक खास अवस्था में बैठ करके सांस की समतुल्यता स्थापित करें, क्योंकि जब सांस की समतुल्यता होगी, जितना समय आप सांस को लेने में देते हैं उतना ही समय छोड़ने में दें, तो सांस की समतुल्यता स्थापित हो जाएगी। एक बराबर स्थित में जो है ग्रीवा को और ऊपर हेड पोर्शन को, नीचे के पोर्शन को एक संतुल्य स्थिति में स्थापित करके, और फिर नासिकाग्र में देखते हुए सांस को समतुल्य करके, मन को एकाग्र करके, फिर आप अपने आप का आत्मावलोकन करें। धीरे धीरे विचार करते 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 बहुत चीजें आती जाएंगी। कुछ समय के लिए अगर आप रोज करने लगेंगे तो एक बड़ी अच्छी पद्धति उत्पन्न हो जाएगी, और आप अपना अंतर मंथन रोज रोज आधे घंटे 20 मिनट जो भी कर सकते हैं करें, ये एक मकसद है। अब योग की प्रक्रिया कैसे की जाए, इस पर विचारकों ने कहा कि आप पहले बैठ करके जब आप ध्यान लगाते हैं, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो मन पहले तो बहुत प्रबल है, बार बार इधर उधर भागेगा, तो धीरे 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 उसको जो है आपको नियंत्रित करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। जब लगेगा फिर उसको आप आंतरिक यात्रा में ले जाएंगे। जब आप अपनी अंतर यात्रा में निकलते हैं तो पहले तो आपको तमाम ऐसी मन में जो इंप्रेशन पड़े हुए हैं किन्हीं चीजों के, ज्यादा किसी को संघ ध्वनि सुनाई पड़ती है, किसी को किसी तरीके की ध्वनि सुनाई देने लगती है, मनोजगत में जो भाव जितना प्रभावकारी ढंग से पहले से अंकित है, कई बार इस तरीके की स्टेट ऑफ माइंड लोगों को सुनाई देती है। यात्रा करते वक्त जैसे कुछ ऐसे कहा लोगों ने कि मान लीजिए आप किसी पर्वत की, आप किसी माउंटेन की यात्रा में मान लीजिए निकलते हैं, आप बड़ा सुंदर सा दृश्य देखते हैं, तो अगर आप केवल पद्धति में उलझे रहेंगे कि कोई क्रिया की जाए और कैसे की जाए, जैसे हमारे यहाँ बड़ी साधना की पद्धतियां हुई, बड़ा काम हुआ इस क्षेत्र में, तो किसी पंथ में कहा गया कि आप धुन में धुन रमाइए, अजपा जाप जब होने लगता है तो आप मान लीजिए सोहम पे धुन आपने रमा दिए, तो जब आप पंथ में बहुत उलझ जाते हैं, सपोज आप एक माउंटेनियरिंग में निकले हुए हैं, आप अपना केवल पैर देखते रहते हैं, आप अपना केवल नीचे आंखें गड़ा करके केवल रास्ता देखते रहते हैं, तो जो पैनोरमिक विजन है अगल बगल का, बड़ा सुंदर पर्वत है, ऊपर पहाड़ सुंदर है, झील है, वो सब गायब हो जाता है, उधर आपकी नजर ही नहीं पड़ती, वो आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए, और आपने कुछ देखा ही नहीं इधर उधर की सुंदरता, नैसर्गिक ब्यूटी जो बिखरी पड़ी है, इतने फूल पुष्प पहाड़ ऊंचाइयां बर्फ कुछ नहीं दिखा, क्योंकि पंथ में आप उलझे रह गए, रास्ते में उलझे रह गए, पैरों में ही आपकी दृष्टि या रास्ते में ही पड़ी रह गई। तो जो क्रियाएं हैं, जो तरीके बताए गए, उन तरीकों ठीक है, सही ढंग से करें, बट उसी में उलझे ना रहे। अगर उसी में आप उलझे रहेंगे, जैसे कुछ पंथ है क्रिया योग के, वो बोलते हैं भाई मूलाधार से आरंभ करिए, सांस को धीरे धीरे चढ़ाइए, पहले मूलाधार में लाए, तो ध्यान अपना सांस चढ़ रही है, ध्यान आपका लगा हुआ है वही, फिर आपने स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर में,
अनाहत में, विशुद्ध अर्थ में, और फिर आज्ञा चक्र में धीरे धीरे उठा के ले जा रहे हैं, सांस चढ़ी, फिर धीरे सांस निकाल रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे तक आपका ध्यान आ रहा है शक्ति केंद्रों में, और फिर नीचे तक मूलाधार तक जा रहा है। तो क्रिया योग के माध्यम से आप उस पूरी, बट वही अगर ध्यान लगाए रह गए तो और जो पैनोरमिक व्यू है, जो आपके मन के अंदर बहुत तरह के भाव उठे हैं, उनको देखना, सोचना, उनको गिराना, उनको रोकना, वो भी रुक सकता है। तो पूरी तरह से अपने आप को देखने के लिए जो पद्धतियां हैं उनसे थोड़ा मुक्त तो होना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप और आगे बढ़ेंगे और अधिक स्थिति आ गई, मन पे और कंट्रोल हो गया, तो फिर विचार भी गिर जाएंगे, चलता रहेगा, कोई मन करता रहेगा, या सांस आती रहेगी जाती रहेगी, और आप एक ऐसे केंद्र पे स्थापित हो जाएंगे, ऐसे चेतना के केंद्र पे आप मन, आपका उस ज्योति पे फिक्स हो जाएगा कि फिर विचार भी आना बंद हो जाएंगे। तो निर्विचार निर्वेद अवस्था आपकी आ जाएगी, निर्वेद, जहाँ कोई जाना ही ना जाएगा, कुछ जितना जाना जाता है उसके जब आप परे चले जाए। अच्छा, ध्यान ये रखना चाहिए कि कई बार आप जो है शब्दों में उलझ कर रह जाते हैं, जो आपके अंदर जो विचार आते हैं, जो जो मनुष्य प्रजाति है वो प्रीडोमिनेंटली भाषा से अपना कम्युनिकेशन करती है। आप जो विचार करते हैं वो भी शब्दों में करते हैं, जब आप विचार अपने कम्युनिकेट करते हैं तो भी शब्दों में करते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली आप एक लिंग्विस्टिक स्पीसी हैं, जो लैंग्वेज से अपने कम्युनिकेट करती है, अपने अंदर के भावों को दूसरे तक पहुंचाती है, दूसरे के भावों को अपने तक ग्रहण करती है। तो ये पतला सूत्र है, लेकिन जो आपका जो मानस पटल है उसके अंदर जो संज्ञान केंद्र है वो केवल लिंग्विस्टिक नहीं है, वो कई तरह के हैं। जैसे अनुभवशीलता, जैसे सुगंध, सुगंध जो है वो शब्द के माध्यम से नहीं पासान होती आपको। जैसे स्पर्श, जो मृदुल स्पर्श है वो टच से पासान होता है, एक सुंदर दृश्य और जो ब्यूटी का कम्युनिकेशन होता है, पैनोरमिक ब्यूटी, इतना सुंदर झरना झर रहा है, इतना सुंदर पहाड़ है चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ, वो जो पैनोरमिक विजन है, क्या वो शब्दों से उसके लिए पूरी किताब लिखनी पड़ेगी तब जाके कम्युनिकेट हो पाएगा, हो सकता है तब भी कम्युनिकेट ना हो पाए। तो जो आप जुड़ते हैं अपने परिवेश से, तो आपके अंदर जो चेतना के संचेतना के जितने दरवाजे हैं, जो जुड़ाव के मीन्स हैं, मीडियम्स हैं, वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। लैंग्वेज बहुत एक छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा एक डोर है, एक माध्यम है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप केवल शब्दों में फंस के रह गए, उलझ के रह गए, जैसे कुछ लोग कुछ श्लोकों में, कुछ लोग कुछ शास्त्र में, इस सब में ही अपनी परिणति देखते हैं, अपना अंत देखते हैं, वो अपने आप को सीमित करते हैं। मनुष्य के जो मानस की सीमा है, तो चेतना का जो प्रसार है, वो शब्दों से परे बहुत आगे तक। तो जब आप अंतर यात्रा में निकले हुए हैं तो आप केवल राहों पे, पथों पर, मार्ग पर न उलझें, आप केवल शब्दों में बंध कर न रह जाएं, आप अपने इंद्रियां जितना कंज्यूम करना चाहती है, इंद्रियों की प्रवृत्ति कंज्यूम करने की है, केवल वही उलझ कर न रह जाएं, उसके भी परे सौंदर्य का पान करें, उसको समझें, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी व्याप्ति, उसकी ग्रेस को, आपको अंडरस्टैंडिंग तो केवल एक बुद्धि का लक्षण है जिससे आप समझते हैं किसी चीज को, समझ के परे भी। और कई बार देखेंगे आप कि जब आप उस चेतना की लौ पर स्थापित हैं लंबे समय तक, तो उसकी शक्ति इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि आप दूसरे के मनोभावों को पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे सर्प के और जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके कान नहीं होते, लेकिन वो अपनी स्किन की संवेदना से हवा में आने वाली तरंगों को पढ़ लेते हैं कि उसके अगल बगल कोई खतरा है, तुरंत रिएक्ट करते हैं। पेड़ पौधे अपने ऊपर आने वाले खतरों को बिना आंख के, कोई आंख देखती नहीं, उनमें कोई आंख जैसा कोई आर्गन नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी संचेतना, एक ऐसी संवेदना विकसित हो जाती है कि अपने आसपास के खतरे को भांप लेते हैं। और कई बार जैसे किसी तरफ आप अवरोध खड़ा कर दीजिए तो दूसरी दिशा में बढ़ने लगेंगे।
सूरजमुखी के फूलों को देखेंगे कि वो सूरज की तरफ मुड़ जाएगा, जिधर जिधर सूरज जाएगा दिन भर उधर की ओर ही जाता रहेगा, तो उसके स्किन में या उसके ऊपरी पटल पर कोई ना कोई तो ऐसा संवेदना का परत है जो उस चीज को ग्रेस्प करके उसे गाइड कर रही है और उधर ही मुड़ रहा है। या किसी पशु को उसके नजदीक आप जाएंगे, कोई मान लीजिए कुत्ता है डॉग है, तो वो आपकी मनोभावना को समझ लेता है कि आप उसे कुछ खिलाना चाहते हैं, उसे प्रेम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, और वो उसी तरह से हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो उसकी जो क्षमताएं हैं, फैकल्टीज हैं उसके माइंड की, बहुत है। हमारे ऋषियों ने उन तरह तरह की फैकल्टीज को डेवलप किया और ऐसी स्टेट्स तक पहुंच गए। जैसे आपको मालूम है कि तमाम ऋषि पानी में ही बने रहे, बहुत गहरे पानी पे ऊपर ही तैरते रह गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब आप खारे पानी में जाइए तो थोड़ा सा सांस ज्यादा आप भर लीजिए तो आप तैरते रहेंगे, क्योंकि स्पष्टी होती हो जाती है, उसके कंपेरिजन में आपकी बॉडी हल्की हो जाती है। लेकिन जब आप लाइट पानी में जाते हैं तो जल्दी डूब जाते हैं। अगर आप इस तरीके की कुशलता को विकसित कर लें शरीर के, तो आप हल्के होकर ऊपर भी उड़ जाते हैं। योग में तमाम लोगों ने ऐसी साधनाएं की और इससे पहुंच गए। तमाम लोग ऐसी साधनाएं की दूसरे के मन की बात जानने लगते हैं। तमाम लोग जो है वो अपने परिवेश का उनको एक स्टेटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अब क्या होगा क्या होगा, और तमाम चीजें वो समझ जाते हैं पहले से ही कि अब क्या होने वाला है, इस तरीके से होने वाला है, परिवेश को पढ़ लेते हैं। तो ये मनुष्य के चेतना की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। योग करते वक्त जब आप एक ऐसी स्थिति में बैठते हैं जिसको श्री कृष्ण ने कहा सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, एक स्थिर आसन बना रहे हैं आप, नाति उच्छितम नाति नीचम चैलाजिन पुरुषोत्तम, चैलाजिन और कुशा रखा और आप बैठ गए, समम काय शिरोग्रीवम, आपकी काया शिर और ग्रीवा ये एक सम स्थित में आ गया, धारण चलम स्थिरम संप्रेक्षणासिकाग्रम समविशेषानवलोकन, सीधे देख रहे हैं, और प्राणापानो समोकृत्व, प्राण और अपान आपका सम हो गया है, क्योंकि हर चीज में आपको समता स्थापित करनी है, संतुलता स्थापित करनी है। और फिर मन की यात्रा में आप निकल पड़े हैं, फिर धीरे धीरे इंद्रियों पर अपने मन का काबू ला रहे हैं, इंद्रियां जो है डिमांड करेंगी, मांगेंगी, अच्छा देखना चाहेंगी, अच्छा खाना चाहेंगी, उसका लालच आएगा, उसको फिर आपने धीरे से संभव किया, और फिर अपने मन की गति को देखना शुरू किया, फिर मन आगे चल रहा है, फिर उसको रोका, फिर अपने परिवेश से जुड़े, पक्षियों की चहचहाट सुनी, परिवेश की संवेदना आपने जागी, आपने देखा आप धरती में इस तरह से बैठे हैं, तो शीतल हवा का झोंका आपको छू रहा है, तो पूरे परिवेश से आप जुड़ रहे हैं, परिवेश की संवेदना आप पे भर रही है। फिर धीरे 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 करके आप अपनी बुद्धि और उसके प्रवाह को देखेंगे कि किस तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और करते करते ऐसी ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं व्यक्ति की कि वो उसमें बहुत अद्भुत शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। अभी विज्ञान उस चीज को नहीं समझ पाया कहाँ कहाँ तक मनुष्य पहुंच सकता है, इतनी क्षमता है। तो जो अंतर यात्रा है उस अंतर यात्रा में निकलने का मकसद यह है, ध्यान का मकसद यह है, योग का मकसद यह है कि आपकी बॉडी माइंड और सोल का आपके सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस के साथ अलाइनमेंट हो जाए, ऐसी आप समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाए, जो एक ऐसी तुरी अवस्था हो, समाधि की अवस्था हो, जो निद्रा जागरण और स्वप्न की जो तीन अवस्थाएं बताई गई उनके परे हो, जहाँ विचार का प्रवाह भी स्थिर हो गया हो, और अपनी चेतना आपकी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आप कॉग्निशन कर रहे हैं, कहाँ से संज्ञान हो रहा है विविध परिवेश की चीजों का, मस्तिष्क के अंदर उठने वाले विविध मनोभावों का, उस सबको आप पढ़ने लगे हो, शांत हो गए हो, प्रकृति में अपनी रिलेटिव स्थिति को समझ गए हो, उस स्टेट तक आपको पहुंचना है, ये ध्यान योग का मकसद। तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली, तो उसकी जो तरह तरह की साधना पद्धतियां हैं वो तो आरंभ करवाती हैं। जैसे कुछ लोग बीज मंत्र में केंद्र करते हैं, कुछ सांस में केंद्र करते हैं, कुछ मूर्ति में सगुण में केंद्र करते हैं, कुछ अपने आप में ध्यान करते हैं, हवा को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हुए भी। तो इस तरह से ध्यान की तरह तरह की साधना पद्धतियां विकसित हुई,
जो भी पद्धति आपको सूट कर रही है, जो भी आपके गुरु ने आपको कुछ सूत्र दिए, तत्व दिए, उस पर आप लगातार करते 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 सैकड़ों वर्षों में आप जो है सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध मतलब वो बहुत तुरंत शीघ्र वो की मिल जाती है आपको, ये कुंजी है। इस की के माध्यम से जैसे आपने बचपन से ही पढ़ा कि भाई राम, अब राम शब्द आया, अब राम शब्द केवल शब्द नहीं रह जाता, जब राम आपके संस्कारों से जुड़ जाता है, आपके भावों से जुड़ जाता है, आपकी जो एक शब्द भर की समझ है उसके परे जाकर के वो शब्द क्या कन्वे कर रहा है, राम का एक पूरा चरित्र, अलग अलग व्यक्ति राम सुनते ही अलग अलग तरह से उस पर मानसिक प्रतिक्रिया होगी। जो राम को अपना इष्ट मानते हैं उनके मनोजगत पे राम का पूरा जीवन, पूरा उनका समर्पण भाव, पूरा लंका तक की यात्रा, उनके जो विविध संबंध है वो सब मन में आ जाएंगे, एक खास किस्म की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी आ जाएगी मन में। ओम कहा तो ओम के साथ, तो किसी शब्द की संवेदना के साथ आप कैसे जुड़ते हैं वो की है, वही बार उलझ के नहीं रह जाना, उसके माध्यम से आपने प्रवेश किया और फिर आपकी यात्रा आरंभ। तो ये जो है ध्यान योग की यात्रा के आरंभ करने का मकसद यह है कि आप अपने आप से, अपने चेतना के स्रोत से, अपने परिवेश से, इस सबसे जुड़े और जुड़ करके जो है सबका एक अलाइनमेंट करें, सबकी समस्थिति को समझें, ये मकसद। 15वें अध्याय के उपरांत तमाम लक्षणों पर बातचीत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब 6वें अध्याय के 15वें श्लोक के उपरांत 16वें में आते हैं, न अति अस्मितः तु योगो अस्ति न च एकांतम अनिस्मितः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, न तो बहुत ज्यादा खाता है, न च न अति अस्मितः तु योगो अस्ति न च एकांतम अनिस्मितः, नहीं ऐसा है कि वो बिल्कुल ही खाता नहीं है, अर्थात शरीर को जितना पोषण तत्व तो आवश्यक है, विचार को जितना पोषण आवश्यक है, मनोरंजन के लिए आपके मन को जितना पोषण, जितना विचारों का आदान प्रदान, सत्संग, ये सब आवश्यक है, उतना उसका भोजन, उसका पोषण तत्व का ग्रहण करना ये होना भी चाहिए। तो जो लोग एक खास किस्म की अवैज्ञानिकता बताते हैं कि वो बस केवल हवा खाकर जिंदा रहा, तो पूरे टाइम रह पाना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं। शरीर को किसी न किसी तरह की ऊर्जा मिलनी चाहिए। तब जैसे पेड़ पौधे वो सूर्य की ऊर्जा से और कार्बन डाइऑक्साइड आदि से अपना भोजन बना लेते हैं पानी से, वैसी क्षमता अगर आपने विकसित कर ली है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर पोषक तत्व तो नहीं जाएंगे तो बिना खाए आपका जीवन संभव नहीं है। देखिए कितना सुंदर सा बैलेंस, कि आपको बहुत अधिक खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो फिर जो ग्रहण किया है उसी को डाइजेस्ट करने में पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा कैसे, तो एक सम्यक स्थिति को पहुंचना। और बहुत अधिक अगर आप सोते रहेंगे, न चाहती स्वप्नशील से, और बहुत पूरा टाइम जगते रहेंगे तो रेस्ट कैसे मिलेगा, तो एक ऐसी समतुल्य समान स्थिति तक पहुंचना है जिसमें आप जो ग्रहण करते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो सोते हैं और जो जागरण करते हैं, वो एक बैलेंस्ड स्टेट पर। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। ऐसा योग जो बिल्कुल युक्त हो, रेगुलेटेड हो, राइट हो, इसमें आहार में और विहार में, ईटिंग में और एंटरटेनमेंट में और रिक्रिएशन में, चेष्टा में और कर्म करने में, स्वप्न में और जागरण में, ऐसा अगर योग की स्थिति पर आप पहुंचते हैं तो आपके दुख अपने आप समाप्त हो जाए। अब उस योग की क्या खासियत क्या है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निः स्पृह सर्व काम जो युक्त इच्छते। युक्त को डिफाइन किया, युक्त क्या होता, यदा विनियतम चित्तम, जब आप जो है अपने माइंड को, चित्त को पूरी तरह से डिसिप्लिन कर लेते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, और अपने आप में ही स्टेब्लिश हो जाते हैं, निः स्पृह, सारी स्पृहाएं आपकी के जब परे चले जाते हैं, निः स्पृहा स्थिति, तो वही राग और द्वेष, आकर्षण और विकर्षण, खिंचाव, तो अगर इंद्रियों का, मन का किसी तरफ खिंचाव है
तो मुश्किल हो जाएगी, उसको संतुलित अवस्था में ले आइए, खिंचाव की प्रवृत्ति को समझकर उससे मुक्त हो जाइए। यही निःस्पृह सर्व काम्येभ्यो, सभी कामनाओं से स्पृहा को खींच लीजिए या उसके परे चले जाइए। अच्छा, एक बार बार प्रश्न उठता है स्पृहा क्या नहीं उठेगी? उठेगी, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है, बट उसके परे चले जाना है, बुद्धि से उसको समझ लेना है और उसके परे चले जाना। वैसे ही जैसे चारों दिशाओं से नदियों का पानी आ करके समुद्र में गिरता रहता है, समुद्र को मालूम है पानी आ रहा है, हमें मालूम है कि हमारी इंद्रियां और मन कामनाएं कर रही हैं, हमारा अहम ऐठ रहा है, लेकिन जानते हुए भी कि पानी आ रहा है, मैं उसे बुद्धि के द्वारा समझ करके उससे मुक्त हूं। मन इंद्रियां अहम सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल आचरण करते रहें, फिर भी उनको समझते हुए उनसे आप मुक्त रहें और बुद्धि के द्वारा अपने मानस को संतुलित रखें, ये भाव। तो अगर आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाए तब यदा विनियतम चित्तम, अपने चित्त को विनियत करके आत्मनियोतिष्ठते अपने आप में ही स्थापित हो जाए, और निःस्पृह सर्व काम्येभ्यो तो आप युक्त इति उच्यते, तब आपको युक्त कहा है। तो जिसको हम राइटियस कहते हैं, जिसको हम डिसिप्लिन या बैलेंस्ड कहते हैं, उसको श्री कृष्ण युक्त कहते हैं। वो ये अवस्था है कि जब आप उस चीज को समझ करके जान करके, तो जो बुद्ध धर्म में बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने माइंडफुलनेस पे बहुत जोर दिया कि आप हर समय कॉन्शियस रहिए, अलर्ट रहिए, माइंडफुल रहिए, अटेंटिव रहिए, उसका पर्पज यही है। युक्त आप तभी होंगे क्योंकि इंद्रियां और मन और अहम आपका ये जितने मेंटल फैकल्टीज हैं 24 घंटे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो अगर आपकी बुद्धि सक्रिय नहीं रही, सो गई या अचेत हो गई या ध्यान छोड़ दी, ध्यान भंग हो गया, मुक्त छोड़ दी, तो आप अनजान में जैसे आपने स्वादिष्ट खाना शुरू किया तो आप खाते ही खाते चले गए, तो बहुत ज्यादा खा जाएंगे, अलर्ट रहना पड़ेगा। इससे क्या बोलना है, क्या कहना है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो कुछ भी आप बोल दिए, निरर्थक शब्द आ गए, ऐसी बातें आ गई, अपने आवेश पे कंट्रोल नहीं है चित्त पे, तो एकदम से आप क्रोधित हो गए, एकदम से लालच भर गया, एकदम से कामुक हो गए, तो आपका कंट्रोल, तो आपके संस्कार ऐसे बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप एक बैलेंस्ड स्टेट में चले जाते हैं संस्कारों के माध्यम से। वो पर्पज अगर आप जो है आपके और आत्मचिंतन करते हो तो आप पाए कि कहीं पर विकृति है, क्योंकि भाई शरीर तो वर्तता रहता है, मन तो वर्तता रहता है, जैसे वर्तना की वजह से घर में थोड़ा धूल आएगी, कूड़ा आएगा, तो उसको रोज साफ करना पड़ेगा, तो अंतर्मन के द्वारा अगर आप डेली ध्यान के द्वारा अपने आप को विचार कर ले रहे हैं, तो जिस साइड में डिस्टॉर्शन आए, जिधर भी थोड़ा सा विकृति आए, परवर्जन आए, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, बस करते करते वही दृढ़ संस्कार हो जाएगा। तो समझ, अंडरस्टैंडिंग और बुद्धि की अवस्था के परे धृति की अवस्था में आप जा करके वो आपकी धारणा और वो आपका गुण धर्म बन जाएगा, वही संस्कार प्रगाढ़ होकर के आपका गुण धर्म बन जाएगा, आपकी वृत्ति बन जाएगी और आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगा। यहां तक पहुंचाती है, केवल सुनना समझना भर नहीं, सुनने समझने के उपरांत गुणना है, उसे आचरण में उतारना है, उतार के ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी टेंडेंसी, ऐसी हैबिट बना देनी है, फिर वो हैबिट आपकी धृति की अवस्था में पहुंचा करके आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, नेचर बन जाएगी, वो नेचर आपके व्यक्तित्व का परमानेंट निर्माण कर देगी, फिर जल्दी से वो नहीं टूटेगा। लेकिन फिर अगर आप लालच में, जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, फिर मदिरा ने उसको अट्रैक्ट किया अपनी ओर, तो फिर से वो जाएगा उसके अंदर मन में, वो ध्यान आ जाएगा उस स्वाद का, उस प्रभाव का, जिस प्रभाव से वो आकर्षित होता रहा है, तो फिर वो पान करना शुरू कर देगा। तो वो तो मन जो है उसके अंदर आने वाला जो रस है वो उसकी ध्यान में, उसकी याद में, उसकी स्मृति में बसा होता है। जब उस स्मृति को बार बार लाएंगे मेंटल स्टेट में, फोकस में लाएंगे, तो आपके अंदर पानी आने लगेगा मुंह में, आप उस मिठाई को खाने की, प्राप्त करने की इच्छा करने लगेंगे। वही ध्याय तो विषयान पुंसः संगते सुख जायते, जब बार बार आप जो है ध्यान करते हैं विषयों का, तो उससे संग असंग आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, संगात समझाते काम हो, उसके बाद कामना उत्पन्न हो जाती है, तो उससे रोकना। अब कैसे स्थिति होती है जो आदमी योग की अवस्था में रहता है, यथा दीपो निवा तस्थो नेंगते सोमा स्मृता योगिनो यत चित्त संयुजतो योगम आत्मा। जैसे निर्वात स्थान में अविचलित दीप रखा हुआ, अब निर्वात क्या है, जहाँ हवाई नहीं है, हवाओं के प्रभाव क्या है, प्रभाव हवाएं तो चलती रहेंगी,
पर प्रभाव पड़े ना, जैसे बुद्ध कहते थे आप गाली ग्रहण ना करें सामने वाले से, तो यही है कि जो आकर्षण और विकर्षण है उसकी हवाएं चलती हैं, वो आपके दीपक को, चेतना के दीपक को हिलाती दिलाती प्रभावित करती है, तो उसके प्रभाव से एक शीशे का आवरण उसके अगल बगल बुद्धि का आवरण खड़ा कर दीजिए, जो हवा आई और आपकी बुद्धि ने समझा और डिफ्लेक्ट कर दिया, उसको लौ तक पहुंचने ही ना दिया, तो उस तरह का शीशा बीच में आपको आरोपित करना, बुद्धि का शीशा, जिससे आपकी लौ को स्थिर कर दें, तो लौ आपकी जो है निरंतर तो ध्यान मग्न आपको किए रहेगी, आप अटेंटिव रहेंगे, आप माइंडफुल रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, लेकिन उन तमाम आकर्षणों विकर्षणों से मुक्त रहेंगे, ये अवस्था। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते, हिलता डुलता नहीं है, स उपमा स्मृता, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ऐसी उपमा से उसका ध्यान करते हैं, ऐसी चित्त की अवस्था हो जानी चाहिए, जब आप दृढ़ हो जाते हैं, आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है कोई भाव, बुद्धि की प्रखरता और प्रधानता, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, स्थित भी हो जाती है, तो आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। यत्र उपरमते चित्तम विरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। Where in mind comes to rest, restrained by the service of yoga, and wherein also self seeing the self is satisfied in the self. Self खुद को देखे और खुद में satisfied रहे, क्योंकि mind की प्रवृत्ति है satisfied होना, सुख की खोज में जैसे व्यक्ति घूमता रहता है, ऐसे ही satisfaction की अवस्था, peace की अवस्था, सुख की अवस्था, शब्द चाहे जो दे दीजिए, बुद्ध उसको सुख शब्द देते हैं, जो हेडोनिस्ट है उसको सुख शब्द देते हैं, बुद्ध उसको शांति शब्द देते हैं, कोई उसको पीस, कोई पीस, कोई प्लेजर, कोई कुछ शब्द देते हैं, लेकिन वो अवस्था क्या है, तुष्ट होने की अवस्था है, अपने से अपने में सेटिस्फाई होने की अवस्था। तो यत्र उपरमते चित्त, जब आपका चित्त जो है रेस्ट में आ गया, उपराम अवस्था में आ गया, बड़ा चंचल है, लगातार सोचता रहता है, लेकिन उसके सोचने की गति को आप देख पाए और उसको रोकने की भी क्षमता विकसित कर पाए, जबरदस्ती रोकने से नहीं रुकता, तो कुछ लोग उसको प्रोएक्टिवली कहीं और लगा देते हैं, निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, उसको निग्रह कहा गया, जिन चीजों की ओर वो शुरू में आकर्षित होता है उधर लगा देंगे, तो धीरे धीरे उसकी वैभवती हो जाए। तो विपासना में जब आप जाते हैं, जो बुद्धिस्ट जो केंद्र है, तो आपको बहुत समय तक खाली स्थान में अकेले, कि आप अकेले में रहिए, कुछ सुनिए मत, कुछ विचारिए मत, केवल देखते रहिए, 12-12 घंटे अपने मन को, मन की गति को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर क्या सोच रहा है उसको देखिए, फिर क्या सोच रहा है, फिर वो अपने आप को ही देखने से धीरे धीरे उग जाता है और फिर रुक जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो देख देख कर उसका आकलन कर, उसका पीछा कर, अपनी बुद्धि से बार बार पीछा कर, और दौड़ और दौड़, ठीक है, तो फिर वो शांत हो जाता है। फिर उसको आप जब पहचान लेते हैं, कई बार कोई क्रिया बहुत करते करते दोहराते आप उससे उब जाते हैं, फिर एक एंटी प्रोसेस में चले जाते हैं, तो खूब दौड़ा दौड़ा कर थका करके रेस्ट की एंटी प्रोसेस में पहुंचा देते हैं, वो विपासना की स्थिति है। तो इस तरह से कई लोग कराते हैं, कई लोग कहते हैं बस बहुत पीछे मत पड़िए, बस उसका अवलोकन करते रहिए, वो एकदम पीछे पड़ जाएंगे तो और एक्टिव होता जाएगा। तो अपनी प्रवृत्ति को जब आप तरह तरह की साधना पद्धतियों के माध्यम से अपने आप को बांच लेते हैं, अपने आप को पढ़ और समझ लेते हैं, तो फिर उसका नियंत्रण आपको आ जाता है, और अभ्यास कर करके आता ही आता है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, प्रयास और अभ्यास और निग्रह करते करते जहां चाहेंगे पहुंच जाएंगे। अब क्या है, सुख कहाँ प्राप्त करता है वो? अच्छा, गीता की चीज खासियत यह है कि जो शब्दावलियां आई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि बीज ग्रंथ है, बाद में जो धर्म और साधना पद्धतियां विकसित हुई, किसी ने सुख को उठा लिया, किसी ने शांति को उठा लिया, किसी ने उपरामता को उठा लिया, किसी ने तुष्टता को उठा लिया, अलग अलग शब्द उठा के उसी पे जोर डालने लगे, उसी पे जैन धर्म विकसित हो गया, उसी बौद्ध धर्म विकसित हो गया। तो सुखवादी रहे, उन्होंने सुख शब्द उठाया, सुख की खोज है मन की रूप, किसी ने कहा शांति की खोज है, किसी ने कहा सेटिस्फेक्शन की खोज है, संतुष्टता की खोज है, पूर्ण तुष्ट, आप्लावित,
आप सुख की दृष्टि से इसका इसकी व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्त्व। आत्यंतिक सुख, अब अंतिक सुख जो अंत जिसका होता हो, अंतवंत ही मेरे आगे से कहा गया, अंतवंतमयी जो सुख हो वो अंतिक है, और आत्यंतिक जिसका अंत न होता हो आत्यंतिक सुख। तो सुखम आत्यंतिकम यत तत्, ऐसा सुख जो खत्म न होता हो, इनफाइनाइट सुख हो, इनफाइनाइट प्लेजर हो, ऐसी स्टेट कहाँ आएगी? इंद्रियों से नहीं आएगी, क्योंकि इंद्रियों से आप जो भी ग्रहण करते हैं वो अंतवंतमयी है, वो पदार्थमयी है, वो खत्म होने वाला है। लेकिन बुद्धि से जो ग्रहण होता है अद्भुत बात है, सुख तो हृदय से ग्रहण होता है, सुख और दुख जो है वो हृदय की अवस्थाएं है, मानसिक अवस्थाएं। बुद्धि से जो सुख ग्रहण होता अद्भुत बात कह दी कृष्ण, बुद्धि तो तर्कमयी है, बुद्धि तो प्रज्ञामयी है, बुद्धि चेतनामयी, वो सुख का पान नहीं करती, लेकिन ये जो सुख है अनंत सुख है वो बुद्धि से प्राप्त किया जाए, अद्भुत बात है। सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, मजे की बात इंद्रियों के परे है वो, क्योंकि इंद्रिय और मन जिस प्लेजर को कंज्यूम करते हैं वो अंतवंत नहीं होता, जितनी देर तक मुंह में स्वाद रहेगा, पेठा रहेगा, पेड़ा रहेगा, आपको सुंदर लगेगा, जब तक आपका स्पर्श रहेगा अपने स्नेहिल का, बच्चे का, पत्नी का, सुख उत्पन्न होगा, जहां वो समाप्त हुआ, दूर गया, तहां आप जो है सुख चला गया, क्योंकि सुख का मीन्स आप वहां देख रहे हैं। सुख की स्वतः स्फूर्ति, सुख का केंद्र जब आप अपनी चेतना में देखने लगते हैं धीरे धीरे, कि सुख की उत्पत्ति जो है वो चेतना में हो रही है, सुख की अनुभूति फीलिंग उसका सेंसिटाइजेशन आपकी चेतना में हो रहा है, सुख यहाँ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर, जो देखने वाला है वहां, जिसको देख रहे हैं वहां पे नहीं है, क्योंकि वो तो चला जाएगा तो चली जाएगी ब्यूटी। तो वहां जब आप केंद्रित हो जाते हैं, जहां से सुख अनुभव किया जाता है वहां आप केंद्रित हो जाते हैं, जहां से ब्यूटी इंटरनलाइज की जाती है, तो वो सुख स्थायी हो पाता है। तो ऐसा सुख आत्यंतिक है और बुद्धि से उसका ग्रहण, सुखम आत्यंतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो अतीन्द्रिय भी है, इंद्रियों के परे है, वो इंद्रिय से नहीं उसका ग्रेस्टिंग होता। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिति चलत तत्त्व, जिसको जान करके वो उस स्थिति से चलायमान नहीं हो, ऐसी अवस्था है वो। और कैसी अवस्था है? यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जिसको लब्ध कर प्राप्त कर उससे अधिक कोई दूसरी प्राप्ति नहीं है, ऐसा आप जान लेते हैं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यास्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यत, बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए लेकिन आप उस स्थिति से विचलित नहीं है, क्योंकि दुख और सुख तो बहुत बहुत स्थूल हैं। जो जिस अवस्था की बात चल रही है, जो आतंतिक है, जो अतीन्द्रिय है, वो ऐसा हमारे चेतना के केंद्र से विजुअलाइज इंटरनलाइज और फील होता है कि सुख और दुख तो उससे बहुत स्थूल है। वो तो इंद्रिया जब चीज कंज्यूम करती है, मन जब कंज्यूम करता है, हम आपका तुष्ट होता है, वो सुख दुख अनुभव करता है। तो कितना बड़ा से बड़ा दुख आ जाए उससे आप विचलित नहीं होते, आप उसी चेतना के केंद्र में स्थापित रहते हैं। ये रहे तो आते जाते रहते हैं, तो स्पर्शमयी है, तो संसारमयी है, इसका कारण तो बाह्य में स्थापित है, इसका कारण अंदर नहीं है, ये जब आप जान जाते हैं। यास्मिन स्थितो न दुखेन गुरुण आप विचार लेते, बड़ा से बड़ा दुख भी, गुरु से गुरुतर दुख भी जिस स्थिति से आपको विचलित न कर पाए, वो कौन सी अवस्था है? बड़े बड़े अद्भुत शब्दावली के साथ कहा उसको, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग की संज्ञा दी जाती है उसे, उसे योग कहा जाता है, योग संगीतम। किसे? तम विद्यात, जिसे जानकर, जिसे जानकर, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से वियोग हो गया, वो जो है उसको योग की संज्ञा दी जाती है। बड़ी सुंदर परिभाषा है,
बड़ी सुंदर शब्दावली है। योग की परिभाषा संयोग और वियोग के माध्यम से भी, क्योंकि हम लोग संयोग और वियोग की शब्दावली जानते हैं, किसी चीज का मिल जाना संयोग है, किसी चीज का चले जाना वियोग है। बचपन में से हम आते और जाते देखते हैं, क्योंकि डायनेमिक स्टेट है हमारी, कुछ आया हाँ भाई बहुत बड़े हो गए, कुछ चला गया भाई बड़े दुखी हो गए, कुछ प्राप्त हुआ कुछ चला गया। तो हम यही भाषा जानते हैं, क्योंकि लेना और देना यही व्यावसायिक भाषा, इसी व्यापार में ही पैदा होते हैं, इसी में। तो इसीलिए कबीर उसको कहते हैं पूरा किया विषाणा बहुरी ना हो। तो ये जो विषाणा है, लेन देन है, वो ये लेन देन है, क्योंकि हम लोग लेन देन की भाषा जानते हैं, पूरा किया विषाणा, ये विषाणा बचपन से पैदा होते, ये लिया ये दिया, ये आया ये गया, ये पाया ये चला गया। तो संयोग और वियोग ये भाषा हम जानते हैं। तो जहां दुख के संयोग का वियोग ना हो, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसे योग की संज्ञा दी जाती है। दुख के संयोग का जहां वियोग हो जाए, अब दुख का संयोग कहाँ होता है, दुख कहाँ प्राप्त होता है, जहां कोई चीज मिलनी हो मिलने से दुख होता है, न मिलने से दुख होता हो, मिलने से सुख होता हो। तो तीन तरह से परिभाषित किया कि अगर सुख से चले तो सुखम आतंकितम यत्त बुद्धि ग्रहणम इन्द्रियम, बुद्धि से ग्रहण होने वाला सुख, ऐसे देखिए। दुख से चले तो दुख के संयोग का जहां वियोग हो जाए उसको योग कहा गया। तो सुख और दुख की शब्दावली में, संयोग और वियोग की शब्दावली में, मन इंद्रिय से ग्रहण करने वाली वस्तु या अतिंद्रिय होकर के बुद्धि से ग्रहण होने वाली वस्तु, उस शैली में योग को उन्होंने बता दिया। और कैसे बता दिया, जहां चित्त की शैली में बता दिया, जहां चित्त आपका उपराम अवस्था को प्राप्त हो जाए स्थिर होकर के, और यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग से यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनिपुष्यन्। इस शैली में बता दिया कि अपने से अपने को देखें, कितने तरह से योग को बताते हैं श्री कृष्ण, बड़ा अद्भुत है। मतलब तरह तरह से जिस भी अंग को, जिस भी चीज को आप पहचान पाए हो अपने अंतःकरण में, उससे चल पड़िए और पहुंच जाइए वहां। सुख से चले तो पहुंचे, दुख से चले तो पहुंचे, बुद्धि से चले तो पहुंचे, मन से चले तो पहुंचे, चित्त से चले तो पहुंचे, दीप की उपमा से चले, किस तरह से इंद्रियों आदि के प्रभाव उसे निर्वात में स्थित करना है तो पहुंच गए। और यदा विनीतम चित्तम आत्मनियोतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो कामनाओं और आकांक्षाओं को हम ज्यादा रिकग्नाइज कर पाते हैं, क्योंकि मन हमारा उसी टर्म्स में देखता है, पाने के अर्थ, पाने के टर्म्स में जानता है चीजों को। तो यदा विनीतम चित्तम आत्मनियोतिष्ठते, चित्त को विनियत करके जब आत्मा में ही स्थापित हो जाए, निःस्पृह सर्वकामेभ्यो सभी कामनाओं से आप निःस्पृह स्थिति में चले जाए, कितने तरह से ध्यान योग को उन्होंने रखे। अब चलिए, अब बात आगे बढ़ी, क्या बढ़ी, कैसे किया जाए भाई योग। पहले उन्होंने शरीर की स्थिति बताई थी, अब बताते हैं संकल्पों और विकल्पों की। मन क्या कर रहा होता है, तो मन को अब क्या करना। संकल्प प्रभवान कामान तत्वा सर्वान अशेषता, संकल्प से उत्पन्न होने वाले जितने काम हैं, कामनाएं हैं, उनको अशेष रूप से, सभी को अशेष रूप से समाप्त कर दे, संकल्प छोड़ दे। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य शमन्तः। मन से ही अपने इंद्रियों के ग्रामों को, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं और मन अकेला है जो हाँकता रहता है। कबीरदास जी उसी कहते हैं ना, थाड़ा सिंह चरावे गाय, तो ये गायें हैं और सिंह है अपना मन, वो जो है खड़े होकर के गायों को चरा रहा है। बड़ी अद्भुत बात है, ये जो उलट बासियां हैं कबीरदास जी की, वो इन्हीं टर्म्स में हमको समझ में आती हैं। तो गायें हैं, इनको खूब पान करना है, इनको खूब ग्रहण करना है, इनको खूब भोजन करना है, इनको बहुत भक्षण करना है, करने बजाय खड़ा होगा पोषण पोषण करता रहता है, भक्षण कराता रहता है। तो उसे, उस मन को संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, अशेष रूप से सभी को, सभी कामनाओं को खत्म करना है, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना है।
अब संकल्प और विकल्प क्या है, कल्पनाएं क्या है, कल्पना आपके मन की प्रवृत्ति है, मन तरह तरह की कल्पनाएं करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले संकल्प जितनी, अब जो कामना उत्पन्न होती है उस कामना के पहले कल्पना उत्पन्न होती है। कामना जो उत्पन्न होती है, जो मांग चाहत डिमांड आकांक्षा है, वो सेकेंडरी स्टेज है, उसके पहले कल्पना की स्टेज है। कल्पना उत्पन्न, संकल्प विकल्प, मनोभाव, मनोभाव पहले आएगा तो उसी को कहा गया ध्याय तो ध्यान पुंसा संगते। जब उसका ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो कल्पना उत्पन्न हो जाती है और फिर कल्पना से उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है। तो कल्पना को काट दो जब आप, संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, तो कल्पना को जब आप काट देंगे तो योग में आप क्या करते हैं, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की जो सेवना करते हैं वो आप चित्त को निरुद्ध कर देते हैं, उसकी कल्पना शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, अनावश्यक न सोचे वहां आके रोक देते हैं। इसलिए अनावश्यक विचार, जो विचारों पे लोग उलझ कर रह जाते हैं, वर्बल डायरिया के जो शिकार हो जाते हैं, जो सिर्फ शब्दों में उलझते रहते हैं, उसके परे, शुरू में हम लोगों ने इसीलिए विचार कर लिया कि मन के अंदर बहुत सारी फैकल्टी है, केवल शब्द, केवल कल्पनाएं, केवल भाषा, ये एक ही आयाम है, इसके अलावा आपकी, आपका कॉग्निशन है, आपके सुंदर ग्रहण की प्रवृत्ति है, आपके इंट्यूशंस है, आपकी ग्रेस्पिंग है, आपके सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक सेंस, तो बहुत तरह की फैकल्टीज हैं जो जो हम भाषा तक उसको हम लिमिट कर देते हैं, उसके बियॉन्ड जाना, भाषा के जाल को, भाषा की डोर को छोड़कर उसके परे उड़ना, भाषा एक पथ है, रास्ता, अब उसी पे फोकस रह जाएगी आपकी दृष्टि, तो पैनोरामिक व्यू जो मिल रहा है अगल बगल का, पहाड़ इतना सुंदर जो ढके हुए हैं बर्फ से, इतना सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर सुखद हवा बह रही है, इतना सुंदर नीला आकाश का दृश्य है, इतना मधुर चिड़ियों का संगीत बज रहा है, प्रकृति का संगीत वो जो सुनाई दे रहा है, जो भावबोध हो रहा है, जो अंदर से प्रसन्नता का झरना फूट रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, उन सब मनोभावों को पढ़ना ही हम लोग भूल गए हैं, कहाँ तक उलझ के रह गए हैं। जितना संस्कृति का विकास होता जा रहा है, हम अपनी तमाम सारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज को क्षरित करते जा रहे हैं, तो संस्कृत के साथ, कल्चर के साथ, सिविलाइजेशन के साथ हम अपनी बहुत सी बेसकीमती क्वालिटीज को खोते जा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किया, हम लोगों ने जो रेप्टाइल्स है उनमें काम नहीं है, वो समझ लेता है, पेड़ है इतने सेंसिटिव है, ज्यादा हवा चलेगी झुक जाएंगे, छुई हुई को छू लिया तो बंद हो जाएगी पत्ती, सूरजमुखी का पौधा फूल जो है सूर्य के साथ साथ इधर उधर जाएगा, ऐसे ही तमाम बिल्लियां, डॉग्स, ये सब जिनके साथ आप प्रेम करेंगे तो इसमें से आपके नजदीक आते जाएंगे। तो भाषा ही तो है, वो कम्युनिकेशन ही तो है जो पढ़ा जा रहा है। देखिए जब आप अपनी प्रेमिका के साथ जाएंगे संगीतमय वातावरण में, पर्वतों की गोद में, तो कितना अंदर एक आनंद का झरना उभर रहा होगा। तो ये जो फैकल्टीज हैं ये क्यों क्षरित होती जाती है, क्योंकि हम इन सबको यूज करना, इनका प्रयोग करना, इनको विकसित करना, इनको और अधिक विकसित करना भूल जाते हैं, और केवल शब्दों का जो हमारी सभ्यता का रास्ता है केवल उसी को अख्तियार करके, उसी को विकसित करके, या कई बार धन को उसी को विकसित करके उसी में सीमित हो जाते हैं, अपनी जो असीमित संभावनाएं हैं उनको खो दी, उन सबको विस्तारित कर रहे हैं कि अर्जुन के अंदर जितनी संभावनाएं हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी जो है अपने परम रूप में आ जाए, ऐसा पूर्ण खिला हुआ पुष्प जो है, ऐसा भाव। तो फिर क्या करना है, समय ही है उपरमेत बुद्धया धृति गृहीत। अब देखिए, हम आप लोग सत्संग कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, बस सोचते हो गया, अरे भाई वो केवल विचारों का विनिमय हुआ, एक विचार एक व्यक्ति के यहाँ से चला और कहीं तक पहुंचा, वो ठहरा नहीं, वो जैसे पानी एकदम से बरस जाता है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वो तो कुछ ना कुछ क्षति करके जाती है, बहा के जैसे अमरनाथ के यात्री बह गए एकदम से, विचारों का प्रवाह आया और डैमेज करके चला गया, उसी जगह ड्रिप इरीगेशन करिए भाई, बूंद 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 पानी डालिए, तो वो जो है फिर व्यक्तित्व का अंग बनेगा,
अब वो बूंद कहाँ से आएगी, वो विचार से आएगी। तो जो जो विचार विनिमय, केवल एक विचार आया उसको ठहराना है, उसको धरती तक ले जाना है, उसे संस्कार बनाना है, वहां की बात चल रही है। विचार आया, सुन लिया, वो सुना भर नहीं, अब उसको गुनना शुरू करते हैं। त्रिकरण बहुत बड़े गुनी है, इसीलिए गुनते हैं उसको, भोगते हैं, भोग कर एक पूरा एक गहरी लकीर बन जाती है, तो फिर आप उसी उसमें बहना शुरू कर देते हैं, नदी बन जाती है, संस्कार बन जाती है। तो सनई है उपरमेत बुद्धया भ्रति गृहित है। क्या मतलब हुआ कि धीरे और धीरे करके, है ना, ग्रेजुअली लेट इट कम टू रेस्ट बाई द विजडम फिक्सड इन फर्मनेस हैविंग एस्टेब्लिश्ड द माइंड इन द सेल्फ लेट हिम नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। ये स्टेट आनी चाहिए, धृति की अवस्था में आती, बुद्धि की अवस्था से और परे जा करके धृति की अवस्था में आपकी जो बुद्धि है मन आपका एक स्थिर अवस्था में आ गया, बुद्धि के द्वारा संचालित होने लगा, बुद्धि के द्वारा संचालित हो करके वो धृति के लेवल पे पहुंच गया और गहरे पहुंच गया, वहां गहरे पहुंच करके संस्कार का निर्माण हुआ। सुने भर नहीं है, उसे गुने हैं, गुन करके उसको समझ लिए हैं, वहां चल रहे हैं, एक बार नहीं चल पड़े, चलते रहे, चले हुए उसी में, उसी धृति की अवस्था में, वो एकदम संस्कार की अंतिम अवस्था। अब यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम, अब क्या होगा, मन तो चंचल है और मन अस्थिर है, जब जब वो फिर चंचलता दिखाए तो धृति की अवस्था से फिर ऊपर उठेगा और भाग आएगा, डिसिप्लिन नहीं रहना चाहेगा तो उसे फिर ले जाओ। तथा नियम्य एतद् आत्मनियो वशम्। तो देखिए ये मतलब जो परेशानियां आपकी हैं वो 5000 साल पहले से चली आ रहे हैं, कोई आज नहीं उभरी जो आप परेशान होने लगते हैं कि आप भर को ये मन परेशान हो रहा है। विश्वामित्र जी भी तो अपनी कामुकता में उलझ करके अपनी स्थिति से गिर गए थे, तो आप भी उसी तरह से बार बार विचलित होते हैं। कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, वो तो उसकी प्रवृत्ति है मन की, तो फिर इधर उधर विचलित होगा। यतः निश्चरति, जब जब वो जो है अपनी स्थिति से वेंडर अवे कर जाए, इधर उधर भटक जाए, यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिर, क्योंकि मन अस्थिर है और चंचल है तो भटके जाए। ततः ततो नियम्य एतद, तब तब उसे फिर से नियमित करिए, आत्मनि एव वशम, अपने बुद्धि के वश में ले आए। अब यहाँ से अंतिम श्लोक करके 27वां श्लोक है, अभी खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है कलरा साहब ने बड़ा ही एक बार महत्वपूर्ण श्लोक कह दिया था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति तस्य अहम् न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। 30वां श्लोक है कि जो मुझे सब जगह व्याप्त देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति, सब कुछ को मुझ में स्थापित देखता है, तस्य अहम् न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी मिटता नहीं हूँ, समाप्त नहीं होता हूँ, और सच मैं न प्रणश्यति, और मेरे लिए वो व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता। बड़ा अद्भुत सा श्लोक है। अब वही बूंद और समुद्र से है कि बूंद के अंदर सारा समुद्र है, वही H2O है, और समुद्र को सब कुछ उसी समुद्र में समाहित है, चेतना के इस महासमुद्र में सभी चेतनाओं की समाप्ति है, और सभी चेतनाओं का लक्षण एक चेतना के लक्षण की एनालिसिस से प्राप्त हो जाएगा, ये उसका बृहद मनोभाव है। लेकिन इसकी संकल्पना मन के अंदर लाना और उसको जीना ही योग की स्थिति में रहना है। तो उस 30वें तक पहुंचने के पहले, आज का भी समय समाप्त की ओर आ रहा है, हम लोग 27वें तक जाके ठहर जाते हैं कि प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जो ब्रह्म भूत अवस्था है, ब्रह्म में विलीन हो जाने की, ब्रह्म के साथ व्याप्ति महसूस करने की ब्रह्म भूत अवस्था कही गई, ब्रह्ममय होने की जब आप फीलिंग ले आएंगे वो ब्रह्म भूत अवस्था, तो ऐसी ब्रह्म भूत अवस्था में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप अकल्मष हो जाएंगे, आपके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य आदि जो आप करते हैं वो जब आप अपने अहम में स्थापित होते हैं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई कृत्य करते हैं, मन के विचलन के हिसाब से जब आप चलते हैं
तब आप पापमय हो। ये सबसे बड़ी स्थापना है गीता कि जब आप ब्रह्मभूत अवस्था में होते हैं, ब्रह्ममय अवस्था में होते हैं, परम अवस्था में, समाधि की अवस्था में होते हैं, वो आप पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सबके साथ तादात्म्य स्थापित करके, परम के साथ तादात्म्य स्थापित करके विचरण करते हैं, और तब आपके साथ पाप कर्म हो ही नहीं सकते। तो पाप और पुण्य क्या है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पाप और पुण्य ना करें, इस अवस्था में ला के खड़ा कर दिया कृष्ण ने, आपको ही पवित्र करके, गंगा स्नान करा के, परम शुद्ध करके खड़ा कर दिया। अर्थात आप ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करके जब कार्यमय होंगे, संसारमय होंगे, तमाम कार्य व्यापारों में भाग लेंगे, तो आप कोई गलती ही नहीं करेंगे। शुद्ध बुद्ध से युक्त होकर के जब आप विचरण करते हैं तो आप निश्चल हो जाते हैं, और आप ऐसी परम अवस्था में होते हैं कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। जो भी होता है वो ब्रह्म के लिए होता है, ब्रह्ममय होकर के, ब्रह्म के द्वारा। तो प्रशांत मनसम, एकदम शांत मन से, योगिनम सुखम उत्तमम, उत्तम सुख से युक्त होकर के, उपायति शांत रजसम, आपका रजस गुण जो है एकदम शांत हो जाता है, और ब्रह्मभूत अकलमस अवस्था को आप पहुंच जाते हैं। तो इस 27वें श्लोक तक पहुंच करके हम लोग समराइज करेंगे कि वस्तुतः ध्यान योग जो है गीता का 6वां अध्याय एक ऐसी अंतर यात्रा है जिसमें भगवान कृष्ण जो है तरह तरह की बातों का विस्तार से विवेचन करने के उपरांत अर्जुन को कुछ सूत्रों के, कुछ तरीकों के माध्यम से ध्यानमयी, प्रार्थनामयी, चेतनामयी, अंतःकरणमयी बनाना चाहते हैं, जिससे वो आत्म चेतना के केंद्र तक पहुंच जाए, वहां जाकर के स्थापित हो, वहां से निष्कलुष अवस्था में पहुंच गया होगा, उसी के विवेचन में हम लोग आरंभ करके शरीर से, शरीर की क्या स्थिति हो, मन की क्या स्थिति हो, चित्त कैसा हो, बुद्धि कैसी हो, सुख दुख के एंगल से देखें तो कैसा लगे, मन को पढ़े, पहुंच जाए जो निष्कलुष अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था है, ऐसा उनका उद्देश्य है। और बार बार आपको बड़ा रिपीटेटिव लगेगा, क्योंकि तत्व वही है, बात वही है, लेकिन हम लोग क्योंकि रोज रोज के कार्य व्यापारों में भटक कर, भूल कर अपना मार्ग खो देते हैं, वो अवस्था खो देते हैं। तो अच्युत अवस्था में ले जाना है, अनंत अवस्था में ले जाना है, गोविंद बन जाना है, अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को ध्यान लेना है, ये अनंत अच्युत गोविंद की अवस्था में पहुंचाने का भाव है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ऐसा उदय साहब, आज आपने गीता के सहज भाव का भाग 15 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं, और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। जी सर, अनम्यूट कर दिया। डॉक्टर भदौरिया साहब नमस्कार। जी प्रणाम कर लो साहब। डॉक्टर साहब, गीता में 2:45 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुणों को पार हो जा, तीनों गुणों से परे चला जा। यहाँ 2:27 में कह रहे हैं कि जिसका, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, यानी जो तमोगुणों से परे चला गया है, और रजोगुण जिसका शांत हो गया है, वो ब्रह्म भूत अवस्था में चला जाता है। तो सत्वगुण यहाँ पार होने की बात नहीं कही, तो सत्वगुण में स्थित हो जाए, इसका मतलब यह हुआ। जी एक्चुअली धीरे धीरे करके तरह तरह से जब वो उसी अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं, तो कहीं पे जैसे जो आपने कहा उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम, तो रजस जो है बेसिकली वो चलायमान अवस्था की बात हो रही है। बिल्कुल। तो अभी ध्यान योग के माध्यम से मन की गति पे विचार विमर्श चल रहा, तो फोकस उनका रजगुण पे है कि रज शांत करके जब शांत अवस्था में आए और साथ में लगा दिया ब्रह्मभूत हो जाए, तो जब ब्रह्मभूत होगा तो बाकी दोनों गुणों से परे चला जाएगा। सत्गुण रहे तब भी मन निर्मल माना जाएगा। जी जी, सत्गुण मतलब कहने का ये कि देखिए उत्तरोत्तर तम की अवस्था तो निद्रा की है, वहां तो मन कुछ विचार ही नहीं करता। मन जब विचारमयी होता है, थोड़ा चलता है, चलायमान होता है, तो रज में आता है, रज के बाद वो सत की अवस्था में आता है। तो यात्रा के पड़ावों में बात करते वक्त उन्होंने कहा उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम, तो ब्रह्मभूत अवस्था मतलब
सबके भी पार होने की अवस्था है, तो रज को विशेष रूप से उल्लिखित कर दिया क्योंकि वो चलायमान की अवस्था, ब्रह्मभूत में सब छिपा हुआ है एक्चुअली। तो जो त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान वाली बात जो आप दूसरे 45वीं की कर रहे हैं, वो त्रैगुण अवस्था से परे की उन्होंने कहा, योग और क्षेम के परे, जो भी ग्रहण करना है समुचित करना है योग और क्षेम से परे, तो वो मन की अवस्थाएं थी, तो निस्त्रैगुण तो किया वहां भी, यहाँ भी सांत्रत्सम अकल्मषम वाली अवस्था में ले गए, तो रज को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन निस्त्रैगुण तो होना पड़ेगा, गुणाने समुद्रवान वाली अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, इन तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, और जैसे शरीर और संसार से तो वियोग निरंतर हो रहा, हर पल होता चला जा रहा है, शरीर से भी और संसार से भी, ईश्वर से योग निरंतर बढ़ता जाए, वो खत्म हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो संयोग तो कुदरती खत्म होता जा रहा है संसार शरीर से, और उनसे वियोग होता जा रहा है संयोग से, और ईश्वर से तो वियोग हो ही नहीं सकते, संयोग हमेशा बना रहता है, तो निरंतर अवस्था जो है संयोग ईश्वर के साथ बनी रहती, तो योग हो जाता है। तो वो दुख संयोग, जो दुख के संयोग से भी योग की बात उन्होंने कही, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यास्मिन स्थितो न दुखेन गुणात् विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग भी योगम, योग संयोग, योग दुख के संयोग से संसार का दुख ही है ना जी, शरीर और संसार जो दुख ही है निरंतर, इससे तो वियोग होता ही जा रहा है, पल पल क्षण क्षण वियोग होता चला जा रहा है। पर्पज ये है कि उसमें रहते हुए भी तो दुख से वियोग होता जा जी, पर्पज ये है कि हम जो है उसमें रहते हुए भी मानसिक रूप से उससे अलग हो, क्योंकि सांसारिक रूप से व्यवहारिक रूप से उससे अलग तो होना संभव नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से उसमें रमण ना करें, उसमें आनंदित ना हो, उसमें सुख अनुभव ना करें, क्योंकि वो छड़ेगा, तो मानसिक रूप से अलग होकर चेतना की जो संज्ञा है, जो पुरुष और प्रकृति का विभाजन कहा गया, उसमें पुरुष चेतना हो गई और जो प्रकृति उसके बाह्य आवरण अष्टधा प्रकृति हो गई, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, ममता तो राम से बनी रहे, मन वहां लगा रहे और समता संसार में रहे। जी जी, और किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हॉट सीट पर नैप साहब बैठे हो, दोस्तों बोलेंगे। नैप साहब मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं कालदास साहब के प्रश्न को सुन रहा था, और उन्होंने जो बहुत अच्छा बताया कि धीरे धीरे जो है शरीर से इससे वियोग होता जा रहा। इनफैक्ट जो गीता में कहा गया है कि जब आप सशक्त हैं, सौष्ठव हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, तब आपको ये संयोग और वियोग वाली बात कही गई है ध्यान योग के लिए, और जब शरीर ही धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, तो क्या वियोग और क्या संयोग शरीर का, और कुछ बात नहीं थी सर। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हो जाते हैं कि आप उसकी सोच कहीं की कहीं चली जाती है। इनफैक्ट जब भदौरिया साहब बोलते हैं एकाग्रचित होकर सुनना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में मैं कभी इधर बैठ जाता, कभी कान में लगा लेता, कहीं कोई डिस्टरबेंस होती, आज पंखे की बड़ी आवाज आ रही थी तुमने कान में लगा लिया, क्योंकि बातों को ध्यान से सुने थी, क्योंकि ध्यान योग की बातें छठा अध्याय है, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, इसमें जीवन के सूत्र दिए हुए कि किस तरीके जीवन को जिया जाए, किस तरह एकाकार किया जाए, किस तरह ब्रह्म में लीन होना है, किस तरह ब्रह्म को प्राप्त करना है, इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, इस चीज को समझाना वाकई में बड़ी क्लिष्ट बात है। ये ध्यान योग कोई बहुत, मुझे लगता है शायद गीता का सबसे कठिन अध्याय ध्यान योग ही है, जो जीवन के आने वाले जीवन के लिए, जो आपके बीत गया जीवन, उस सब के बारे में आपको समझाता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की, उनको किस तरह से सुधार कर आगे आपको चलना है। और आज उन्होंने इनफेक्ट भदौरिया साहब ने खुद आखिरी में 2 मिनट में अपने जितना पूरा उनका लेक्चर था उसका सारांश बता दिया, पूरी चीजें उन्होंने, आज मैं ध्यान से सुन रहा था आखिरी के उन्होंने जो 3 मिनट लिए आखिरी श्लोक करने के बाद, जितना बोला उन्होंने
तो जो आज जो कहा था पहली बार मैंने देखा उपसंहार में, उन्होंने पूरा एक से लेकर आखिरी तक का पूरी चीज खुद कहती है, इसलिए मेरे लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सर आपने आज का ज्ञान ध्यान योग, मैं कुछ नहीं कहूंगी सिवाय इसके कि तकलिष्ट है ये ध्यान योग, एक एक चीज को समझाना कि दुख के संयोग से वियोग करना, इसको समझने में मुझे आपने इसको 3-4 बार समझाया और तीसरी या चौथी बार में मैंने समझ में तो मैंने खुबड़ी लाई, हाँ अब समझ में आया हमारी ट्यूबलाइट थोड़ी देर में जलती है सर। सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी समझ में आ जाए। अच्छा वो क्या होता है, गीता का हर एक चीज इतनी गूढ़ है, हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, लगता है बिल्कुल सहज है, अमरनाथ में हुआ कि एक नदी का वो आया और हाके ले गया, हम लोग भी एक घंटे में सुना बह के निकल लिए। अगर यही हम रोज एक एक दो दो चार चार श्लोक पढ़ के उसके अर्थ को समझेंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी उसका फायदा है। और आप जिस तरह समझाते हो मुझे लगता है जैसे आज मैंने कुछ श्लोक से बताया, कालिदास साहब भी श्लोक से बताते कि वो तीसरे में ये था, दूसरे अध्याय के 17 में ये था, और इसके जो आप यहाँ 6 अध्याय के 27 में ये है, तो कुछ कंपैरिजन इन्होंने किया, तो हमें भी लगता है हम जाके उन अध्याय को खोलें, दोनों श्लोकों को दोबारा पढ़ें, उनके अर्थ को देखें और देखें उस चीज को, क्योंकि कहने में और आपने की उन्होंने बात की तो उसमें इतना ग्रहण नहीं हो पाता। ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है, मैं तो इसके लिए साधुवाद दूंगा जो इस पे स्पीकर से, जैसे भदौरिया साहब है, प्रश्न करते हैं कालिदास साहब है, और लोग करते, और इस तरह के आयोजन के लिए अरविंद शर्मा साहब का भूरी भूरी अभिनंदन, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर सर, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सरगुजे साहब। और जैसे कि एक विचार के साथ तो तीन बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार हमारा बहुत पूर्व में एनके नैब साहब ने भेजा हुआ है, उसी को ही हम बोलते हैं, छात्रानी नैब साहब को याद होगा नहीं होगा। अच्छे गुरु आपकी प्यास नहीं बुझाते, अच्छे गुरु आपकी प्यास नहीं बुझाते, आज के गुरु हमारे डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब हैं, बल्कि आपको और अधिक प्यासा बनाते हैं, बल्कि आपको और अधिक प्यासा बनाते हैं, आपको जिज्ञासु बनाते हैं। ज्ञान अनंत है, इसको जितना अधिक प्राप्त करते जाएंगे आपको स्वयं के अंदर उतना ही अधिक खालीपन महसूस होगा। ज्ञान अनंत है, इसको जितना अधिक प्राप्त करते जाएंगे आपको स्वयं के अंदर उतना ही अधिक खालीपन महसूस होगा, और उसको भरने हेतु ज्ञान अर्जित करने की आपकी प्यास व जिज्ञासा निरंतर उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा ये प्यास बढ़ेगी, स्पष्ट है ज्ञान की उपलब्धि भी उतनी अधिक होगी। जितनी ज्यादा ये प्यास बढ़ेगी, स्पष्ट है ज्ञान की उपलब्धि उतनी अधिक होगी। अच्छा शिक्षक और मार्गदर्शक वह है जो आपके हृदय में निरंतर ज्ञान अर्जित करने की आग बुझने नाते। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा शिक्षक और मार्गदर्शक वह है जो आपके हृदय में निरंतर ज्ञान अर्जित करने की आग बुझने ना दे, और ज्ञान अर्जित करने का क्रम हमारी अंतिम सांस तक समाप्त नहीं होना चाहिए। बस ज्ञान लगता नहीं मैंने लिखा सर, हमारा अंतिम सांस तक समाप्त नहीं होना सर। मेरा नहीं है, नैब साहब को उनको धन्यवाद दीजिएगा। मुझे भी नहीं याद, मतलब याद है पूरा, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन इतना बढ़िया लिखा आज पहली बार सुन के अच्छा लगा। लेकिन ऐसा हम तो आपके हर चीज को बड़ी संभाल के रखते हैं सर, भी संभालेंगे सर चीजें, इसके ऊपर कब आएंगे सर, कई ऐसे हैं। आइए सब तीन बार ओम का चयन करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
शांति शांति।